नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। जैसे कि हम लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं, आज है 20th of January 2022, साल का 20वां दिन और जनवरी का 20वां दिन। और जो ट्रेंड देखा गया है 2021 में कनाडा का, वो बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो चुका है। पहले क्या था कि 3 मंथ्स 3.5 मंथ्स में डिसीजंस आ रहे थे, बट अगर मैं रियलिटी बताऊं 2021 में तो बहुत ही स्लो प्रोसेस हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स की फाइल्स जो हैं एम्बेसी में लगी थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीनों के बच्चों की अगर रिजल्ट्स की बात करें तो सिर्फ 30-35% रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। 30-35% रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिले हैं। बट अगर कुछ बीच में रैंडम ऐसी भी फाइल्स थी, जैसे कि 18 अक्टूबर की या फिर कुछ नवंबर की फाइल्स, आपने रिसेंट वीडियो देखी थी जहाँ पे 9 PPRs आई थी, तो वो जो PPR थी वो भी इन फाइल्स के बीच में से ही थी। बट जो रिज़ल्ट आया है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो सिर्फ 30% रिज़ल्ट अभी तक देखने को मिला है फॉर जनवरी इनटेक। जो 70% एप्लीकेशन है फॉर जनवरी इनटेक, उनमें से जो रिफ्यूज़ल रेट है वो 50% है, और रेस्ट 20% जो एप्लीकेशन हैं वो नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर होंगी, क्योंकि जैन इनटेक बहुत अच्छा इनटेक नहीं रहा, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि मई 2022 एक अच्छा इनटेक रहेगा फॉर डेफर वंस। और अगर हम बात करें न्यू एप्लीकेशन की, देन डेफिनेटली सितंबर 2022 इनटेक में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं अभी तक तो। बाकी रियल ग्राउंड्स पे क्या होता है वो कोई भी नहीं जानता है, बट अभी तो हम बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक होप रख सकते हैं, चाहे जो भी कर लें, कि जो कनाडा है वो एट लास्ट एक सॉल्यूशन है फॉर परमानेंट रेजिडेंसी एंड एवरीथिंग। ये चीज़ तो हमें दिमाग में रखनी ही चाहिए। बट जो भी ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो 50% एंड अबव रिफ्यूज्ड जो हैं वीज़ा एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। बट अभी इस बात का शुक्र है कि जो एप्लीकेशंस हैं उनके डिसीजन नहीं आ रहे, दैट इज़ प्रिटी फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिफ्यूज़ल देखने को नहीं मिल रही हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। तो इसी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।